हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिंगल मसल करनी चाहिए, डबल मसल करनी चाहिए, क्योंकि या तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है या उन्हें कुछ नया चाहिए होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमें सिंगल मसल करनी चाहिए, डबल मसल करनी चाहिए। वो पूरा देखना, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि जब भी हम पहली वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि हमें सिंगल मसल करनी चाहिए, डबल मसल करनी चाहिए। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है अपनी मसल गेनिंग टिप्स वाली में कि जितनी बार हम हफ्ते में रिपीट करेंगे अपनी मसल उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट टाइम होता है। देखो, कोई भी वर्कआउट है इसका कोई जवाब नहीं है कि आपको फिक्स सिंगल मसल करनी चाहिए, डबल मसल करनी चाहिए, ठीक है। सबकी बॉडी अलग है, सबका रूटीन अलग है दिन का, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं किसी कोई 12 घंटे की ड्यूटी पे है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई अपने काम पे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा, कुछ भी है, सबका रूटीन अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका वर्कआउट होता है कि कितने आप में एनर्जी है, कितना आप इंटेंसिटी से वर्कआउट कर सकते हो, उसके हिसाब से अपने रूटीन के हिसाब से आपको वर्कआउट करना चाहिए, मेरा मानना है। देखो, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, कोई सब कोच अलग अलग हैं। जो मैं बता रहा हूँ मेरा प्रोस्पेक्टिव है, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो मेरा मानना है कि सिंगल मसल या डबल मसल का कोई रूटीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी वर्कआउट करोगे एक टाइम के बाद आपकी बॉडी उसे आदत पड़ जाएगी कि हाँ मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया दे। इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी को शौक देने के लिए हम वर्कआउट चेंज करते हैं, ठीक है। अब वो चाहे सिंगल मसल कर रहे हो आप, चाहे आप बहुत टाइम से डबल मसल कर रहे हो, आपको वर्कआउट चेंज करना पड़ेगा। एक वर्कआउट को आप कम से कम 3 महीने तक आपकी बॉडी अच्छा रिजल्ट, डिसिप्लिन में अगर चलोगे तो 3 महीने तक आपको आपकी बॉडी रिजल्ट देगी, वो वर्कआउट रिजल्ट देगा अच्छा। लेकिन 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आपकी बॉडी उसको ये कह देगी कि मैं एक होता है ना, ग्रोथ रुक जाती है, तो ग्रोथ रुक जाएगी कि हाँ अब ये जाएगा जिम में, अब ये डंबल मारेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, उसे पता है, तो उसे कुछ नया चाहिए, उसे शौक चाहिए उसका। या तो आप डबल मसल करोगे, ये जो डबल मसल कर रहा है वो सिंगल मसल पे आ जाएगा, ठीक है। सबका अपना अलग अलग रूटीन है। देखो, जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाओ। तो बिगनर्स से शुरू करता हूँ मैं कि बिगनर्स को क्या करना चाहिए शुरू में। बिगनर्स भाई, उनमें ज़्यादा पावर नहीं होती, इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं कर सकते अपने वर्कआउट की, तो धीरे धीरे 2 से 3 मसल, जैसे मिक्स एक्सरसाइज होती है, मिक्स एक्सरसाइज की मैंने वीडियो डाली हुई है वर्कआउट की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख सकते हो आप। तो बिगनर्स को इतनी पावर नहीं होती, वे धीरे धीरे ही अपना शुरू करते हैं, तो मिक्स वर्कआउट आप शुरू कर सकते हैं 3 से 4 हफ्ते, ठीक है। उसके बाद आप डबल मसल से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंगल मसल करनी है, अगर आपकी डाइट अच्छी ले रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन से चल रहे हो, तो आप डबल मसल से शुरू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं। आप किसी दूसरे को देख के नहीं उठा सकते वेट कि हाँ वो डबल मसल कर रहा है, ट्रिपल मसल कर रहा, तो ऐसा नहीं करना है। उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, ठीक है। कोई अब एडवांस है, यानी कोई इंटरमीडिएट है, कोई ज़्यादा टाइम से वर्कआउट कर रहा है, जिसे थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, उसकी बॉडी अच्छी, मसल मैच्योरिटी है उसकी, मसल ग्रो है, ग्रोथ है उसकी, तो उसको देख के कॉपी नहीं करना। उसका वर्कआउट अगर डबल मसल का है तो डबल मसल क्या पता उसके सूट आ रही हो, या फिर अगर डबल मसल आप कर रहे हो काफ़ी टाइम से, या सिंगल मसल कर रहे हो, तो थोड़ा सा अगर आपको 3-4 महीने हो गए तो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने वर्कआउट में, ठीक है। बॉडी शॉक को इसलिए ही कहते हैं कि आपको बॉडी शॉक देना होगा वर्कआउट से। आपका जितना आप वर्कआउट चेंज कर दोगे 3 महीने बाद, तो आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आपकी डाइट अच्छी है तो। जितना आप वर्कआउट करोगे आपका उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, जितनी आपकी मसल काम करेंगी उतनी आपकी प्रोटीन की नीड बढ़ेगी। तो उस हिसाब से वर्कआउट करो जो आपका डेली रूटीन है, जो आपको सूट कर सकता है फिट रहने के लिए, या बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, या फिर जो स्टेज खेलने के लिए, ठीक है। स्टेज खेलने वालों का अलग होता है, क्योंकि ज़्यादातर वे ड्रग्स पे होते हैं, ठीक है, मेडिसिन ले रहते हैं कुछ, तो उनकी बॉडी जल्दी रिकवर करती है, इसलिए वे 2 से 3 मसल तक करते हैं, वे ट्रेन करते हैं और हार्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनका प्रोटीन, क्योंकि उनकी रिकवरी बाहर से बहुत अच्छी चीज़ कर रही है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे अपना कर सकते हैं। 3 दिन में हमारी मसल रिकवर हो जाती है, ठीक है, तो 3 दिन बाद हम वो मसल रिपीट कर सकते हैं।
तो अब मैं बताता हूँ वर्कआउट क्या करना चाहिए। सिंगल मसल बॉडी पार्ट अगर कोई कर रहा है तो चेस्ट या तो शोल्डर कर ले या बैक कर ले या बाइसेप ट्राइसेप कर ले, ठीक है। चेस्ट ठीक, इसके बाद शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप कुछ भी ले सकते हैं आप इन तीनों में से। अगर आप बाइसेप ट्राइसेप कर रहे हैं तो अगला रूटीन आपको होना चाहिए बैक का, ठीक है। उसके अगला रूटीन होना चाहिए आपका शोल्डर का, उससे अगला रूटीन होना चाहिए आपका थाई का, ठीक है। आप एब्स थाई के बाद लगा सकते हो या फिर थाई से एक दिन पहले लगा सकते हो, ठीक है। रूटीन देखो सबके अलग अलग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कआउट रूटीन हर किसी के अलग अलग हैं, बहुत सारे रूटीन हैं। जिसके अंडर में आप चल रहे हो आप उससे भी पूछ सकते हो। डबल मसल अगर कोई कर रहा है तो मेरे हिसाब से बड़ी मसल और छोटी मसल एक साथ करो, ठीक है। अगर आप चेस्ट कर रहे हो चेस्ट के साथ आप ट्राइसेप या बाइसेप लगा सकते हो। अगर आप बैक कर रहे हो तो बैक के साथ आप ट्राइसेप या बाइसेप लगा सकते हो, ठीक है। शोल्डर और थाई हमें अलग अलग करने हैं, क्योंकि शोल्डर भी एक हमारी ऐसी मसल है जिसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो और थाई हमारी शरीर की सबसे बड़ी मसल है, ठीक है। तो इसे भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो आपको रिकवरी का टाइम चाहिए थोड़ा सा, ताकि आप डाइट ले सको, ठीक है, उसमें आपकी रिकवरी हो जाए और आप अच्छा वर्कआउट कर सको। तो कहने का मतलब यह है कि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, आपको वर्कआउट चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई रेगुलर वर्कआउट नहीं करना, ठीक है। आप नया कुछ ट्राई करो, आपकी बॉडी को शौक मिलेगा, कुछ नया बता रहा है, कुछ नया किया है इसने, ठीक है। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको बात अच्छी लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट करना अपने, ठीक है। नया हूँ, नया चैनल है तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, थैंक यू।